नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज है। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया जगत में आशंकाओं का दौर चल रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का अलग अलग कुर्सी पर बैठने को भी राजनीतिक दूरी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कई आशंकाएं गढ़ी जा रही हैं। इस बीच हमारे सूत्रों, जो कि नीतीश कुमार के पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने भी हमें जानकारी दी है। वो जानकारी पूर्व जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद ललन सिंह से जुड़ी है। वो जानकारी क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मौजूदा माहौल में किस दल को सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों की ज़रूरत है और आखिर बिहार में सीटों का समीकरण क्या है। बिहार की सत्ता के लिए सीटों के समीकरण की बात करें तो बताया जा रहा है कि बिना नीतीश के ना तो लालू यादव के पक्ष में है और ना ही बीजेपी के। वैसे राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार के अलग रास्ता अपनाने की चर्चा के बीच लालू यादव भी एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि 122 की जादुई आंकड़े को छूने के लिए राजद की ओर से कुछ विधायकों को मैनेज करने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे आंकड़ा भी कम पेचीदा नहीं है। वर्तमान में क्या है स्थिति, आइए जानते हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो जो विधानसभा की स्थिति बनेगी उसमें बीजेपी के पास फिलहाल 77 विधायक हैं, जेडीयू के पास विधायकों की संख्या 45 है। नीतीश कुमार को निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का समर्थन हासिल है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। कुल मिलाकर विधायकों की संख्या होती है 127, जो बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा है। चलिए अब आपको सीटों का थोड़ा समीकरण समझाते हैं, यानी कि जो गणित है इसका वो समझाते हैं। बीजेपी के पास 74 विधायक थे, 3 वीआईपी से आए तो मिलकर हो गए 77। जदयू के पास फिलहाल 43 सीटें थीं, उसमें बीएसपी के 1 और लोजपा के 1 यानी 45, और निर्दलीय 1 सुमित सिंह फिलहाल नीतीश कुमार के समर्थन में है, और फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक इनके साथ हैं, यानी कि एनडीए के साथ हैं, यानी कुल मिलाकर होते हैं 127। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 एमएलए हैं, जबकि लेफ्ट पार्टियों के पास कुल 16 विधायक हैं। अगर एआईएमआईएम के 1 विधायक को जोड़ लें तो ये आंकड़ा 116 तक पहुंचता है, जो बहुमत से 6 कम रह जाता है। फिलहाल आरजेडी इन्हीं 6 सीटों के सेटिंग और यूं कहें तो तालमेल और जोड़ तोड़ में लगी हो सकती हैं। यही फिलहाल उनको मैनेज करना है अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में। आरजेडी का समीकरण है वो कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। आरजेडी के पास 75 सांसद थे, एआईएमआईएम से 4 और बोचहा से 1, यानी कुल मिला के 80 विधायक होते हैं। 19 कांग्रेस के पास और लेफ्ट पार्टियों के पास 16, और एआईएमआईएम के 1 विधायक, यानी कुल मिलाकर हो रहा है 116। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, मगर इस जादुई आंकड़े को छूना ना तो बीजेपी के लिए आसान है और ना ही आरजेडी के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार दोनों के लिए आंखों का तारा बने हुए हैं। फिलहाल हर तरफ से आशंकाओं का बाजार गर्म है। आशंकाओं में लोग यह भी कह रहे हैं कि पूर्व जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन बाबू कहीं राजद में ना शामिल हो जाएं। खैर, ये सारी आशंकाओं पर गढ़ी जा रही एक कहानी है, और कहा जा रहा है कि ये जो बादल हैं, सियासी बादल, वो 1 से 2 दिन में बिहार के राजनीतिक गलियारों में छट जाएंगे, और जो भी आसमान में नज़र आएगा वो 1 से 2 दिन में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही, और आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।